हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज मैं उठ गई हूँ और मेरा इतना मतलब क्या बोलेगा, मॉर्निंग को जैसा एक फ्रेशनेस रहता है या एक फ्रेश मूड रहता है वो नहीं है। क्यों बोलने से आज तो मेरा तबीयत भी मेरा इतना ठीक नहीं है। तो गाइस, तो अभी छिरिंग भी रेडी हो रहा है, वो अपना ड्यूटी के लिए जाएगा और फिर मैं अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैं अभी बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊंगी मैक्रोनी पास्ता। तो दिखाती हूँ मैं अपना मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाता हूँ झटपट। तो गाइस, ये है, इसको तो मैं थोड़ा पानी डाल के उबालूंगी, ठीक है। तो गाइस, ये है मैक्रोनी पास्ता। तो अभी इसको पानी डाल के उबालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तीन प्याज को काटूंगी। तो गाइस, मैंने मैक्रोनी पास्ता के लिए अनियन को कट चॉप करके रखा हुआ है और उसके साथ एक लोकल कोरिएंडर लीफ जो पकने के बाद मैं डालूंगी। तो आई थिंक गाइस, ये मैक्रोनी पास्ता ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। ज़्यादा पकाने से फिर वो गीला गीला सा हो जाएगा ना, तो टेस्ट नहीं लगेगा। तो गाइस, मैं यहाँ गिरने वाली थी। तो चलो, तो अभी मैं मैक्रोनी पास्ता को पानी से अलग करती हूँ, उसके बाद ठंडा पानी से वॉश करूँगी। गाइस, इसको ठंडा पानी से वॉश इसलिए करना पड़ता है, जब हम लोग गर्म पानी से उबला हुआ पानी से जब इसको अलग करते तो वो स्टील मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म होते रहते हैं, तो इसको क्या होता है कि चिपकने का थोड़ा चांसेस होता है। पानी से अलग करना है, फटाफट पानी से अलग करने के ठंडे पानी से वॉश करते हैं, सब बंद हो जाएगा और आपका ये अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इसको मतलब पेस्ट करा के जब बनाओगे तो सिंगल सिंगल रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैक्रोनी पास्ता बनाने से पहले इसका जो सॉस है उसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो सॉस को रेडी करने सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो गाइस, इसमें मैंने कढ़ाई भी गर्म कर दिया, मैंने ये प्ले बटन ऑन करना भूल गया था। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइस, ये अभी अनियन ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। तो इसके ऊपर सब मैं थोड़ा सा आटा को डालूँगी। आटा डालने से वो होगा कि मेरा जो वाइट सॉस है वो थोड़ा ग्रेवी, अच्छा ग्रेवी बनेगा, उसका जो सॉस का थिक थोड़ा थिकनेस थोड़ा गाढ़ा होगा। तो इसके लिए मैंने आटा थोड़ा सा डाल दिया है। आटा को अच्छे से फिर से भूनूँगी। भूनने के बाद फिर मैं यहाँ पर डालूँगी अभी मायोनीस, क्योंकि मायोनीस इज द किंग ऑफ पास्ता रेसिपी। तो उससे आपका टेस्ट अच्छा आएगा। तो अभी इसको मैंने अच्छी तरह से तो फ्राई कर दिया है अनियन और आटा को। तो अभी मैं मायोनीज को डालती हूँ। मायोनीज डालूंगी।
गाइस मैंने मायोनीज को तो डाल दिया, मायोनीज को डालने के लिए अच्छी तरह से मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला ताकि आपका मायोनीज और अनियन का जो सॉस है वो थोड़ा अच्छा हो। तो उसके लिए मैंने पानी को डाल दिया, पानी थोड़ा अच्छा मात्रा में ही डालूँगी, फिर उसको उबालूँगी। ठीक है, गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो सॉस का थिकनेस है वो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तो गाइस इसको और थोड़ा सा उबालेंगे, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो निकालेंगे इसका। चलो देखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने मैक्रोनी पास्ता को डाल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये जो सॉस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसका थोड़ा सा पानी भी गिर गया है, तो इसको मैं दोबारा से पकाऊंगी सॉस के साथ में। उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा देर और पकने के लिए गैस को लगा दिया था, तो यहाँ पे उबल आ चुका है। तो मैं चेक करूँगी, उसके बाद अगर ये अच्छी तरह से इसका थिकनेस मुझे जितना चाहिए उतना हो जाएगा तो मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, गाइस अभी यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने इसका गैस को बंद कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे डालूँगी चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लोकल कोरिएंडर लीव्स। गाइस तो आप लोग देखते रहना कैसा बना। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे डाल दिया है लोकल कोरिएंडर लीव्स, इससे आपका डिश का जो लुक्स है वो काफ़ी ही चेंजेस हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें मैंने बहुत सारा इंग्रेडिएंट वगैरह डाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो आप लोगों रेसिपी तो आप लोग ने देख ही चुका है, सिर्फ इसमें अनियन डाला है, उसके बाद में थोड़ा सा वाइट फ्लोर डाला है, फिर मायोनीज डाला है। मायोनीज इज द मस्ट, मायोनीज नहीं है तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। फिर उसको पकने के बाद वही है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिली का पाउडर ऊपर से मैंने डाल दिया है, फिर उसके बाद कोरिएंडर लीव्स को। ठीक है गाइस, यहाँ पे कितना सारा सॉस बचा हुआ है। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आप सब का प्यार मुझे बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो ठीक है गाइस, फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।